अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर और बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, लाखों अफराद परेशान हैं इस हवाले से। जनाब पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमी नकवी साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूँकि सारा जोर जो है बदनवानी पर था, दिल खोल कर जायदादें बनाई हैं और पानी बहरान जो संगीन हुआ है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। रोटी कपड़ा मकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के 10 साल बार बार ही नारा हम सुनते आए हैं 50 साल से, लेकिन अमल कितना हुआ है इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इमरान खान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। फजल रहमान साहब कहते हैं जी जरदारी साहब को चाहिए कि मेरी बात मान लें, लेकिन अब तक उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। चाइना कटिंग के हवाले से ख्वाजा इजहारुल हसन के भाई हैं अफसारुल हसन, उन्होंने लैंड माफिया का सरगना करार देकर मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिस पर ख्वाजा इजहार साहब कहते हैं जी ये मुकदमा गलत बनाया गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर हैं। तो साहिबा जनाब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाई हैं आप। अच्छा, सबसे पहले अवामी बहुत एक अहम इशू है पानी। पिछले 10 साल आपने हुकूमत की और पूरे 10 साल आवाम पानी की बूंद बूंद तरसते रहे। अब 11वां साल शुरू हो गया है, असम्बली में वापस आ गए आप लोग, आप जाहिर एमक्यूएम से आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो अब भी यही सूरत हाल है। यहाँ भी बैठ कर आप खुद ये बातें करती रहीं कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी कसूरवार है, आप क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीनन कुछ ऐसे इश्यूज थे, मैं समझती हूँ कि जिसका चेयरमैन बिलावल ने न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि जो अभी कैबिनेट आई है उसमें भी आपने चेंज देखा होगा कि जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने प्रॉपर लोगों के डेवलपमेंट नहीं की, उन लोगों को कैबिनेट में नहीं लिया। दूसरा इशू यकीनन पानी का इशू है और इस वक्त ज़्यादा इसलिए कि ये सिर्फ न सिर्फ कराची का बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का अगर देखें तो पानी की शार्टेज रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कराची की जो डिस्ट्रीब्यूशन रही है वो भी सही प्रॉपर नहीं रही है। डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा इशू रहा है और पानी का जो टैंकर माफिया है वो बहुत बड़ा इशू रहा है और ये चीज़ें इशूज़ रही हैं। लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि शमी साहब, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शमी साहब तनकीद करेंगे लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को भी लेकर आएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मसल मैं कहूँ K4 प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेडरल से आपकी बजट एलोकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तनकीद के साथ वो उन चीज़ों को भी देखेंगे, सीरियस देखेंगे और सिंध हुकूमत की हेल्प करेंगे ताकि ये मसाइल हल हों, आवाम को रिलीफ मिले, ना कि सिर्फ जबानी बातें हों। K4 के हवाले से आपने बात की, पानी के हवाले ज़ाहिर है अगर K4 मुकम्मल हो जाए तो बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, लेकिन K4 2006 का मंसूबा है और 2018 में हम बैठे हुए हैं और आपकी जानिब से ये बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद 3 साल लगेंगे इसे कम्प्लीट होने में। अच्छा, वफाक का आप नाम ले रही हैं, हालांकि डार साहब ने कहा हमने पिछली हुकूमत में भी पैसे दे दिए थे जो हमारा हिस्सा बनता था, लेकिन इस बात को भी अगर मैं मान लूँ तस्लीम कीजिए, नई पैसे मिले आपको तो उससे पहले वफाक में आप खुद मौजूद थे, उस वक्त क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया आपने? देखिए, उस वक्त मेरे ख्याल में मुझे क्योंकि उस वक्त की हिस्ट्री नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मुशर्रफ के दौर में, इसलिए कंप्लीट नहीं किया गया था, आवाम के मसाइल से दिलचस्पी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि आवाम की होती तो कंप्लीट हो जाता, सिंपल सी बात है। यकीनन प्रायोरिटी में रहने चाहिए इश्यूज, उस वक्त भी आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की वजह से बहुत सारे इश्यूज थे जो नहीं सॉर्ट आउट हुए, जरूर थे, लेकिन अली सर बहुत सारे इश्यूज टेक्निकल इश्यूज थे और उसको मेरे ख्याल में सीएम साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि हम हमारी कोताही थी कि हमने कुछ चीज़ ऐसी थी कि जो एमक्यूएम के हवाले से थी और हम वो डिलीवर नहीं कर सके कराची के हवाले से, कराची की डेवलपमेंट, कराची के प्रोजेक्ट में, लेकिन अब हम खुद करेंगे। तो देखिए, आपने खुद देखा कि 1.5 साल में मुरादी साहब ने एमक्यूएम नहीं थी आपके साथ, उसके सामने कि आपने खुद देखा कि 1.5 साल से जब मुरादी शाह के आने के बाद बहुत सारे रोड्स, ब्रिज वगैरह चीज़ें जो है ना वो डिलीवर, लोगों ने महसूस किया कि हाँ कराची में डेवलपमेंट हो रही है। पानी का इशू है, मैं समझती हूँ कि जो पास में हुई बिल्कुल एडमिट करते हैं, गवर्नमेंट भी एडमिट करते हैं, महसूस करते हैं कि ये चीज़ें प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए थी, स्टार्ट पर डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो है ना उसको उम्मीद तो लोग हैं जो है ना वो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। उम्मीद का दुनिया कायम है, 50 साल से जिस तरह आप नारा लगा रहे हैं रोटी कपड़ा मकान का, भुट्टो साहब का नारा आज तक कम्प्लीट नहीं हो सका, इसी तरह लोग आपकी मुसलसल तीसरी हुकूमत है, पहली हुकूमत 2008 में हम कहना शुरू हुए थे कि जी कराची में बहुत बड़ा इशू है पानी का, आपने कहा जी हल कर लेंगे,
2013 में दोबारा गवर्नमेंट आई, हम हल कर लेंगे। 18 में आज फिर हीर सो साहब हम यहाँ बैठ कर ही बात कर रहे हैं, कब होगा आपके लिए हल कर लेंगे? इंशाल्लाह। मतलब कितनी सदियां चाहिए आपको हुकूमत के लिए? नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, इसी तमाम आवाम खत्म हो जाएगी, प्यासी मर जाए सारी आवाम, तो फिर उसके बाद आप खुश हो रहे होंगे। लेकर पी लेते हैं ना, जिनके घर में पानी ही नहीं लाइनों के जरिए आता है उनकी बात कर रहा हूँ, जो वोट देते हैं। मेरे ख्याल में आप अफोर्ड कर सकती हैं, आपकी पार्टी अफोर्ड कर सकती है। अली मुझे भी मौका दे। कल भी मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने मीटिंग की थी, वाटर बोर्ड से भी मीटिंग हुई थी, और उनका जो इश्यूज़ हैं, लेकिन जो पानी सही डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, वो तो इशू है कि प्रोजेक्ट जो आपका पानी है वो भी सही प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच रहा, उसमें भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी इशूज़ हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह जो पानी है उसको लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने खुद स्टैंड लिया है कि हम उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करेंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा हम प्रायोरिटी पर रखेंगे कि वहाँ पानी पहुँचे। इशू है इंशाल्लाह, दावे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार ये बात आपसे कि आपकी प्रायोरिटी आपकी गवर्नमेंट की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुराद नहीं है। उसके पे जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी कहा कि मुझे तो सुनकर ही शर्म आ रही है कि वज़ीर आला के पास 18 गाड़ियां हैं, सिंध हुकूमत के पास टोटल 149 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। आप इन गाँवों में लगे हुए हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, पुरतेज ज़िंदगी आपकी, आपको क्या पता अवामी मसाइल का? अगर पता भी है तो जानबूझ के मसाइल का पता है, और जिस तरह लोग आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया आपके सामने है कि अगर हम 2018 की इलेक्शन और 2013 की देखें तो आवाम ने वोट दिया, और बल्कि ज्यादा अक्सरियत से जो है लोग ये कहते हैं जी वोट देने की बात सुन ले, मैं छोटी सी बात सुन ले, वोट देने की जब आप सवाल करें तो जवाब भी सुन ले ना, फिर दूसरा सवाल करें। आप कर ले, तो यकीनन आवाम ने वोट दिया है और आवाम कोशिश है। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ कि इस वक्त चेयरमैन साहब खुद चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, खुद अकाउंटेबिलिटी रखे हैं। उन्होंने 6 महीने का टारगेट दिया है कि सीएम से लेकर मिनिस्टर तक कोई परमानेंट नहीं है, जिसकी कारकर्दगी होगी वो आएगा। तो इंशाल्लाह ये खुद मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी चैलेंज है कि आप अगर डिलीवर करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को डिलीवर करके आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो बिलावल के लिए जब आप जाओगे इलेक्शन के लिए, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, और उसको चैलेंज को इंशाल्लाह पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कायमिल शाह साहब 2008 से 2013 तक रहे, कुछ नहीं कर सके, उसके बावजूद दोबारा वजीर आला बना दिया गया। कर रहे हैं ना मैं बता रहा हूँ आपसे, देख लें आप पानी की बूंद बूंद तरस रहे हैं, आप जब भी आप पानी की बूंद बूंद नहीं, देखे ये टैंकर जनाब, टैंकर से पानी आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ ना टैंकर माफिया है, टैंकर वाटर बोर्ड का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, वाटर बोर्ड में एक और बात कर रहे हैं, चलें आपसे पानी में बात कर रहे हैं, सारे इशूज हैं जो कहीं ना कहीं से, अब आप कहीं ना कहीं से वो चीजें नहीं, मैं कह रही ना कहीं ना कहीं से इशूज भी हैं, उसको भी देखना चाहिए। साहिबा सिर्फ ये बता दीजिए, घोष मुलाजमीन की अब बात करते हैं तो सिर्फ कराची हैदराबाद में क्यों बात होती है? अंदरून सिंध में घोष मुलाजमीन नहीं है, घोष स्कूल नहीं बने वहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई, एक कार्रवाई बता दें आप, आपने घोष मुलाजमीन के खिलाफ क्यों सखर में क्यों नवाब शाह में क्यों खिलाफपुर में क्यों के एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई है, बिल्कुल चीजें हो रही हैं। आप कहते तो मैं फिगर्स लेकर आती हूँ, मैं फिगर लेकर आते नहीं, देखिए फिगर है इसलिए कि वहां पे भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, बाकायदा थंब इम्प्रेशन लगा के सिस्टम के थ्रू किया गया है कि जितने भी घोष मुलाजमीन हैं उसका कार्ड निकाल गया, बाकायदा उनको निकाल गया, अब वो बाकायदा रिक्रूटमेंट हो रही है, इंशाल्लाह जो जो खाली जगह है उनको पूरा किया जा रहा है। नहीं तमाम, और ये परसेप्शन नहीं करेंगे सिर्फ कराची हैदराबाद में, ओवरऑल हम अगर देखिए यकीनन नहीं, क्योंकि आपकी जानिब से हमेशा ये बात हाँ, आती है ये केएमसी में घोष नहीं 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 ये दो बैंक में बताते हैं आप अली, मैं अभी भी कह रही हूँ लोकल गवर्नमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सिंध में जहाँ जहाँ पे भी एजुकेशन का, तो कराची में नहीं एजुकेशन का, तो अगर देखें मुख्तलिफ जिला में लोगों का जो घोष मुलाजिम तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए, ये आपकी कारकर्दगी पे काउंट होगा। पानी आप जो कह रही हैं कि ऐसी बात नहीं है और टैंकर के जरिए पानी पहुँचाया जा रहा है, टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है, आम लोगों को नहीं मिलता, चलें ठीक है, जो पानी घरों में आ भी रहा है वो आपको जानती हैं, वाटर कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, 90% फुजला मिला पानी है जिससे पीना तो दरकिनार, वजू भी नहीं होता उससे। देखिए ये जो वाटर कमीशन की रिपोर्ट्स आई थी बिल्कुल मेरे ख्याल में उसका सीएम ने कहा था कि सिर्फ उसकी रिपोर्ट को मीडिया पे हाईलाइट किया गया था और हमें भी सुना जाए कि हमने क्या काम किया, क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई है। इतना बड़ा चैलेंज दिया था जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा जी चलें साथ चलते हैं किसी जगह जाकर एक बोतल पानी आप पी लीजिएगा, लाइन का एक मैं पी के दिखाएंगे आप, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था आपके सीएम साहब ने कि बीमार हो जाऊंगा मैं।
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी मीडिया की मेहरबानी है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे भाई इसलिए नहीं, देखिए अली बिल्कुल इशू, लड़का ना आपका तो दिल है लड़का ना, उसको तो मॉडल सिटी बना देने चाहिए थे आपको। तो हम कोशिश करें पहले कराची को मॉडल सिटी बना रहे हैं, फिर हम अच्छा, कराची वाला हाल करेंगे वहाँ भी आप। नहीं नहीं कराची में बेहतरी नहीं आ रही आपका, आपको नहीं लग रहा कि आप मुझे बता दें कौन सी बेहतरी कराची में, क्यों आपको आपको रोड्स आपको बेहतर नजर नहीं आ रहे, आपको ब्रिजेस वगैरह ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही। देखो बेहतरी जो चीजें हुई है बेहतर होनी चाहिए वो आप माने। हाँ अभी पंजाब से कराची आ रहा है लाहौर देखकर, वो कहता जी क्या हाल हो गया कराची का। पंजाब से देखिए पंजाब का मुकाबला करें, पंजाब को जिस तरह बजट मिला जिस तरह एलोकेशन हुई है ना, वो बजट अगर आप सिंध को दे दे तो भी इतना ही अच्छा हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आने के बाद ना सिर्फ कराची को सिंध को भी बजट दिया जाएगा और रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको ये भी तल हकीकत है कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर रिलीज नहीं हुई, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हुए, जिसकी वजह से तनकीद हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पीटीआई की सिर्फ हम पे तनकीद नहीं करेगी, रिलीज भी लेकर आएगी जो प्रोजेक्ट्स उनको कम्प्लीट करवाने में मदद करेगी पीटीआई के साथ। माशाल्लाह आप तो हम उम्मीद है, रास्ता जिस तरह आपने हमवार किया है उससे लगता है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन है। किसका किसका सवाल है? अलवी साहब का रास्ता जिस तरह आप हमवार कर रहे हैं वोट ना देकर, अपोजिशन का अपोजिशन में भी सपोर्ट नहीं कर रहे आप। नहीं देखिए वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी फैसला था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया था। क्या आपको लगता है अच्छा अगर देखिए अगर इंतखाब होते ही जिस वजह से आप लोग नहीं करना चाह रहे सपोर्ट उस नुमाइंदे को, इलेक्शन के बाद क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जितनी तनकीद रही है, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे केसेस बने हैं, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने जेलें काटी है ना, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं काटी है। तो वो इन चीजों से क्या होगा, जेलें काटी होंगी नहीं, 11 साल के केस फेस करके आप बताए और अभी भी और अब तो साबित नहीं होता तो उसका मकसद है कि जेल में डाल के रखो। अभी भी जो केस कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आप सबूत लेके सजा दी ना, तो अब तो हुकूमत नहीं है, फेडरल में तो नहीं है। अच्छा पिछली हुकूमत किसकी थी? फेडरल में कौन था? नेप किसका था? एफआईआई किसके साथ है? नेप कौन है? नेप किसके पास है? नेप वो तो भाई नेप तो जो है ना वो फेडरल चाह रही है। नहीं नेप किसके पास है? फेडरल के पास है ना, तो पिछले वाली हुकूमत में फेडरल में तो हम नहीं थे। नहीं मैं तो कह रही हूँ नेप तो हम पे ही सिर्फ केसेस कर रही है ना, किसी और पे तो नहीं केसेस कर रही है। लेकिन मिलता हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को जो है ना इल्जाम की बुनियाद पे केसेस की हियरिंग पे चलती है। 5 साल में बार बार कहा जाता रहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब रुख क्यों कर लिया गया है, अब चूंकि नई हुकूमत आ गई है, नया पाकिस्तान है, क्या अभी ये शिकायत होती रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नेप जो है इस वक्त भी इस तरह मुजाहरा कर रहा है, जिन्हें सब पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ गए, इस दावे तक सदाकत है? इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद, कहीं में जाइएगा हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर, और 11वां साल है यानी तीसरी हुकूमत आ गई है, बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो सके, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जनाब अब क्या होगा, कितनी सीरियस हैं। कहा जा रहा है कि जी उनके नए जो चेयरमैन साहब हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, वो कहते हैं कि इस बार सब कुछ वो देख रहे हैं। हालाँकि 2-2.5 साल पहले भी सरवर साहब वही देख रहे थे और जितनी बुरी कारकर्दगी थी आपने कहा सीनियर लोगों को लिया नहीं गया, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 रुकनी मजीद गुजरा शायद हलब उठाएंगे आपके पास से। हाँ मेरे ख्याल सेकंड फेज है आएगा। छः इतने वज़रा की ज़रूरत क्यों है? फौज ज़फ़र मौज नहीं, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उसके हिसाब से तो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। आप खुद आप कहते हो कारकर्दगी भी दिखाओ, फिर कहते हो मिनिस्टर नहीं, इससे पहले भी आपने मिनिस्टर इतने बना लिए, कारकर्दगी भी होना भी वर्किंग चेक एंड बैलेंस भी हो, मिसाल के तौर पे चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बिल्कुल होगा चेक एंड बैलेंस। अच्छा हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, आपकी पार्टी को छोड़ दिया, खैराबाद कह दिया, बरसा बरस शामिल रहे मुजफ्फर शिजरा साहब, अब पीटीआई के शामिल हो गए, पीटीआई के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर शिजरा साहब। सीधा साहब आवाज़ आ रही है आपको?
شیرا صاحب تک شاید آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی. شیرا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا. جس طرح میں نے کہا نا، جو پہلے منسٹرز تھے آپ کے، اس میں سب سے مین چیز آپ کراچی کی بات کر رہی ہیں کہ ڈیلیور کرنا ہے ہم نے، اور آپ کے چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، 10 سال بعد آپ صرف 10 بسوں کا تحفہ دے رہے ہیں 3 کروڑ لوگوں کو، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں بھی علی دیکھے، مطلب 300 لوگ بیٹھ کے چلے جائیں گے، 3 کروڑ میں سے باقی جو لوگ ہیں. علی اس پہ دیکھے، کچھ چیزوں کو نا ٹیکنیکل طور پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے K4 پروجیکٹ اس طرح کا جو اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو تھی، وہ معاہدہ ہی ہو سکا اس تک آپ کا؟ علی سن تو لینا، پہلے سنیں تو صحیح نا، پورا بسیں دکھا دیں نا، اشارے سے بسیں دکھا دیں، وہ کھڑی ہوں اس کے ساتھ جو ہے نا، وہ فیڈرل نے دینا تھا، فیڈرل نے فیڈرل کے ساتھ سارے کام فیڈرل پر ڈال کے بڑے ذمہ ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے نا میٹرو بنا دی، میں تو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے این ایف سی ایوارڈ کے بعد اتنے پیرو این ایف سی ایوارڈ کے بعد اتنے آپ کے پاس ریسورسز آ جائے. دیکھیں آپ کا چھوٹا صوبہ ہے، 300 بسیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں پاکستان میں آ گئی تھی. کس نے دیا تھا؟ وہ کس نے دیا تھا؟ وہ فیڈرل نے دیا تھا، وہ مشرف نے دیا تھا. آپ کے وزیر صاحب وعدے کرتے رہے پورے 5 سال کے لیے 300 بسیں آ رہی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ 70% ریوینیو دینے کے بعد جب آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو جو ایلوکیشن تھی وہ نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹ آپ کے ڈیلے ہو کے رک گئے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 462 ارب کے پیسہ جو کرپشن پہ لگا دیا، بسیں لے آتے دینے تھے پروجیکٹ میں، چیزیں دینی تھی. لیکن اب اس دفعہ کل میٹنگ ہوئی ہے مرادل شاہ صاحب کی ایشین ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اس سے سافٹ لین لے کے ہم جو پروگرام کو شروع کریں گے. تو فیڈرل سے اب ہمیں امید کم سے کم تر ہو گئی ہیں. کر دیا تھی پھر بعد میں دیکھ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے سندھ حکومت کے اوپر. میں اب وہ پھر ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں لیکن اس پہ کتنا قرضہ آپ نے چڑھا لیا ہے؟ تمام ٹیکنیکل چیزیں کام نہیں ہوا. آپ ٹیکنیکل چیزیں لے کے مجھے بتائیے گا، میں ٹیکنیکل فگر کے ساتھ بیٹھوں گی اور بالکل بات کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ عوام کو پتا چلے کہ کیا ایشوز ہیں، کیا ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو پاتی. جتنی چیزیں ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا نا. دیکھیں آپ نے کہا جی بڑے ٹیکنیکل ریزنز ہیں، وفاق نے پیسہ نہیں دیا، 10 ہی بسیں دے سکتے تھے. ہم نے کروائی وہ جو برج بن رہا ہے، جو روڈ بن رہا ہے، جو کنسٹرکشن ہے، وہ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. اس میں فیڈرل نے کوئی آپ کی نہیں. آپ کی جو پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آپ نے تو میرا خیال پڑھا ہی نہیں. پھر آپ نے پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ 50% تو آپ کی رقم خرچ ہی نہیں ہو سکی پورے 5 سال میں، وہ کیوں رکھ لی بچا کر؟ آپ نے بسیں خرید لیتے بھائی، کچھ پروجیکٹ مکمل کر لیتے. آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی ایلوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھی ہے، آپ دوسرے خود کہہ رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں نا. بھلائی کے لیے کیوں نہیں کام ہوئے علی؟ دیکھیں آپ کے کیا این آئی سی بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کے جو پروجیکٹ کسی شہر میں کوئی شخص جل جاتا ہے، بن سینٹر ایک سول میں بنا ہوا ہے، وہ وہاں سے لے کے چلے گا بیچارہ یہاں آتے تک خدا نہ خاصا دم توڑ جائے. میرے خیال میں وہ بہترین بنا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں اچھا بنا ہے؟ وہاں سے یہاں آئے گا آدمی. دیکھیں یقیناً میں بالکل مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو پرائیورٹی پہ رکھنی چاہیے تھی. نہیں NICD آپ کے سامنے کے ڈیویژن وائز بنا بہترین. اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. آپ جو دانت سمیٹتی پھر رہی ہیں صاحبہ، لوگوں کو کھل کے بتا دیجیے کریں، وہ او پی ڈی اے صرف. کیا وہاں آپریشن نہیں ہوتے؟ او پی ڈی اے صرف. این آئی سی ڈی کا نہیں، فل فلیج آپ کا. آپ نے آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو ابھی نہیں گئی پیپلز پارٹی میں، آپ کو بتا نہیں رہے. اسی طرح ہاتھ کر رہے ہیں جس آپ سے کیا ہے، عوام کے ساتھ بھی یہ ہاتھ کیا ہے انہوں نے. آپ کو بھی نہیں بتایا. آپ نے گمبٹ کا انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھا؟ آپ نے چاند کا جو انسٹیٹیوٹ، جو بہتر ہوئی ہیں چیزیں اس کو ماننا چاہیے. ایس آئی ٹو کے پاس وہ سکھر میں جو ایس آئی ٹو کے جو سینٹر بن رہا ہے وہ بھی سامنے بن رہا ہے. چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہتر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام جو گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہیں. نہیں ہم نے کوئی ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی، ایسا کچھ نہیں کہا. ہاں اب ہاں کام ہے، ڈیلیور کرنا چاہیے، ڈیلیور کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر کریں، جو چیزیں رہ گئی ان کو بہتر کریں گے. ادروائز یقیناً عوام بہتر فیصلہ کرنے والی ہے. جو آپ کی باتوں کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ میرے خیال میں بسیں اور ٹرینیں بھر کے اندرون سندھ لوگ جائیں گے. ایسا میں نے کہا، اندر سے لوگ جائیں، میرے خیال میں روڈ جا کر اگر آپ نہیں گئے ہو تو آپ کو جانا چاہیے. شیرا صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ جو ہے نا بائی بس جا کے سفر کریں، آپ کو مزہ آئے گا. شیرا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. شیرا صاحب جناب آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا، بہت لمبا عرصہ اس پارٹی میں گزارا. سر کیا ایسے اختلافات ہو گئے جس کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہوئے آپ؟ اختلافات تو کوئی نہیں تھے ہمارے، اور جو ان کو ٹکٹ دی گئی تھی صاحب کو، وہ بنوی صاحب کو برا بھلا کہتا تھا اور گالیاں دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں، جب بنوی صاحب کو ہم اپنی بہن سمجھتے ہیں،
तो फिर हमारी बहन को उसने गाली दी, इसका मतलब इसकी वजह से हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जो धांधली हुई वो आपको पता है, सारी दुनिया ने देखी। बाकी तो हम बैठे हुए थे इंतजार में कि पीपल्स पार्टी वाले कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से बयान चला दिया कि हमने शिद्रा साहब को निकाल दिया जी। ये बयान हमने भी पढ़ा, लेकिन जिस आप कह रहे हैं आप बैठे रहे इंतजार करते रहे, शायद आपको मना लिया जाएगा, और बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि जी वो गालियां देते रहे उसके बावजूद भी उन्हें टिकट भी दे दिया गया, तो ये नाराज़गी का जाहिर, आपको टिकट भी नहीं मिला, फिर नाराज थे, आपको मनाया भी नहीं गया, तो फिर आपने बेहतर ये सोचा कि मुस्तकबिल आपका पीटीआई से वाबस्ता कर लें बेहतर रहेगा। जाहिर है सियासी आदमी, आप एक मुहावरा सुना है ना, घोड़ा अगर घास दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, सियासी आदमी है, जिंदा तो रहना है। फिर हमने सोचा कि पीटीआई का एक स्लोगन अच्छा था करप्शन के खिलाफ, इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ काम करूंगा, तो हमने कहा ठीक है भाई, वो तो करप्शन के खिलाफ करा तो हम भी उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और सर बड़ी देर में ये फैसला किया, जब वोट आपको टिकट नहीं दिया था वो आपने ये फैसला कर लिया, खान साहब का स्लोगन तो सर 22 साल से यही है। हाँ ठीक है, जब इंसान है, इंसान जब भी चाहे तो कर सकता है, इसमें कौन सी क़यामत है आ जाती है कि बाद में किया या देर किया, तो इंसान जब चाहे कर सकता है, जब चाहे उसके दिल में ख्याल आ जाए कि ये बात अच्छी है तो अच्छाई की तरफ लपक पड़ता है, इसमें कौन सी खराबी है। नहीं ठीक है, आपका ख्याल आ गया, जमीर जाग गया आपके, लेकिन ये तमाम जब हुआ जब टिकट नहीं मिला जी, तो अब सर मुस्तकबिल सेफ हो गया, आपको पीटीआई की तरफ से यकीन दहानी है कि अब ज़मीनी इलेक्शन होते हैं या आने वाले इलेक्शन में आपको टिकट जरूर दिया जाएगा, अगर वहाँ भी खुदा न खासा टिकट नहीं दिया तो फिर किसी और पार्टी में हो गया। सियासी आदमी को सियासत चाहिए ना, ये टिकट विकेट का हम शौकीन नहीं है, टिकट मिला या ना मिला हमने कहा भी नहीं अभी तक उनको, हमें कहीं एडजस्ट करो या नहीं करो, अगर उनको जरूरत हुई हम जैसे शरीफ आदमी को, पीपल्स पार्टी को हम जैसे शरीफ आदमी को जरूरत नहीं थी, उन्होंने हमें निकाल दिया। शरीफ आदमी की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, और हीर सोए साहब आप शामिल हो गए जाकर, तो इसलिए इनको अगर जरूरत है हमारे शरीफ आदमी की तो ये हमें संभाल के रखेंगे, अगर नहीं जरूरत है तो कोई मसला नहीं हमारे लिए, कोई वो नहीं, हम पहले पीपल्स पार्टी पे खर्च करके 45 साल हमने पीपल्स पार्टी के ऊपर खर्च किया, तो अब भी अगर खर्च करना पड़े तो हम खर्च करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के लिए हम जी रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में अच्छा ही हो, ठीक है ना सर, तो इसलिए हमने सियासत की है कि पाकिस्तान में अच्छा ही हो पाकिस्तान से। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि आप मुतासिर हुए इमरान खान साहब के स्लोगन से, करप्शन के हवाले से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 साल जो कारकर्दगी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बाकी ये है कि कभी बैठेंगे तो फिर बात करेंगे, तो लोग तो खुश नहीं थे, लेकिन रिजल्ट आ गया, जो भी आया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, जो भी आया लोग खुश नहीं थे। हीर सोए साहब जाहिर इतने पुराने कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छोड़कर चले गए, वो कह रहे हैं मैं वेट करता रहा, मनाया नहीं गया। मैं एक हेलो जी जी मैं एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान की जो सारी बदकिस्मती है कि उन्होंने इतने अच्छे वर्कर उनके छोड़ के अगर जाएं, जाहिर है बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, अली नवाज शाह जैसा वर्कर वो, और वहाँ पे बुट साहब हैं वो शरीफ आदमी थे, उन्होंने छोड़ दिया, तो इस तरह जिकाबाद में तो जितने लोग आप नाम ले रहे हैं जी शरीफ आदमी सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो शरीफ आदमी सारे चले जाएंगे तो फिर जो रह जाएंगे उनके बारे में वही हाल होगा, पंजाब जैसा पीपल्स पार्टी में सिर्फ नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और कुछ नहीं। यही निचोड़ है सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, यही मैं बात सो साहब से कर रहा था। देखिए मुजब्बर साहब मेरे ख्याल में साथ काम भी किया, सीनियर है और रेस्पेक्ट है उनके लिए, उनका अपना जाती फैसला है कि पार्टी में नहीं है, जिस वजह से उन्होंने छोड़ी वो वजह भी रख दी सामने, बिल्कुल मिनिस्टर भी रहे हैं बहुत सारे और उनके अपने कराची के सदर रहे हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट है उनके लिए, जाहिर सी किसी से आप मुतमिन नहीं होते हो, आप पार्टी छोड़ के जाते हो, मेरे ख्याल में पार्टी ये कारवां चलता रहता है, कोई आ रहा होता है कोई जा रहा होता है, लेकिन इस तरह के उसूली नजरियाती लोग शरीफ आदमी काम करने वाले बेलोस इस तरह के लोग छोड़कर जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा समंदर है, किसी के जाने से कमी नहीं होती, लेकिन उनका अपना फैसला था, बेहतर समझा उन्होंने फैसला किया,
यकीनन होता है, अगर आप अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं तो बहुत सारे पीटीआई के लोगों को टिकट नहीं मिले, वो चले गए, नून लीग के लोगों को नहीं मिला, तो इस तरह की मतलब सियासी तौर पे सियासी फैसले करने हर किसी का हक है, और मेरा ख्याल उन्होंने किया या किसी सीनियर ने कहीं पे, यार तो बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, कहीं पे कोई इग्नोर हो जाता है उसमें, यकीनन अगर मुजफ्फर साहब इग्नोर हुए हैं। जब बेनक साहब को उन लोगों ने गालियां दी, उनको टिकट दिया, तब हमने रिजेक्ट किया, हमें टिकट की जरूरत भी नहीं थी, हमें 13 में टिकट नहीं दिया, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। जो पार्टी के कायदीन के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें टिकट भी मिल जाता है। नहीं यकीनन, क्योंकि मुझे इस मैटर का, इससे मुझे पता ही चल रहा है कि भुट्टो की पार्टी नहीं रही, अब जरदारी साहब की पार्टी हो गई है। नहीं, भुट्टो की पार्टी है, भुट्टो की वजह से वोट मिलता है। अभी भी जो ग्राउंड पे जो है ना, वो बिलावल की वजह से, जब वो ग्राउंड, आप तो भुट्टो की पार्टी सुन नहीं रही ना, बिलावल के बारे में कोई बात कर रहा है, बिलावल की वजह से, बिलावल भुट्टो की वजह से ही वोट मिला। अब मेरे ख्याल में जो देखे अली, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं, अगर वो चले जाते हैं, यकीनन आप, मैं मुजफ्फर नहीं कहूँगी, तनकीद नहीं करूँगी, उनका अपना ज़ाती मैटर फैल है कि वो चले गए, उनको और वो समझते हैं कि उनको गालियाँ दी गई थी, इस वजह से पार्टी ने नहीं सुना। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं सुना, कहाँ तक वो मैटर गया, क्या हुआ, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो सीनियर हैं, रेस्पेक्ट है, अगर वो पीटीआई में गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे वो ये तो कह रहे कि मैं शरीफ बना दूँ, लेकिन पीटीआई में भी नहीं चल पाएंगे, कि पीटीआई में जो गालम गलोच जिस तरह की सियासत है मुजफ्फर साहब के जैसे शरीफ लोगों का, आखिर के मिनट आपके, फिर मुझे ब्रेक पे जाना, कि जिस तरह के आप शरीफ आदमी हैं, वो कह रही है वहाँ तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी पे भी चल जाएंगे, किस तरह चलेंगे आप? देखिए आप मेरी नहीं, हम कोशिश करेंगे मुजफ्फर साहब दोबारा बना लें। ये नहीं आई है पार्टी में, इसमें कोई शक नहीं है, इनको पीपल्स पार्टी का पता नहीं है, वो अलग मसला है, लेकिन मसला ये है कि शरीफ आदमी की हर जगह इज्जत होती है, कोई मसला नहीं, हमें अच्छा ये कह रही जी दोबारा भी हम मना लेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो मतलब मनाएं तो फिर आ सकते हैं दोबारा आप? हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 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 टीचरों को 3,000 टीचरों को पकड़ा और 1,30,00,000,000 रुपए हमने सिंध के खजाने में जमा कराए। ये मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिन्होंने पैसे खजाने में जमाए, नहीं तो आजकल सियासतदान तो खजाना खाली कर देते हैं। बिल्कुल सही, मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो नेकनीयत ईमानदारी से काम करता था और ईमानदारी की बात फिर यही हो पीपल्स पार्टी में, इसका मतलब यह कुछ होता है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर चिंदा साहब, आपको फिर जहमत देंगे स्टूडियो में, इंशाल्लाह तफसील बात करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा हीर सो साहब मौजूद होंगे, इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। में एक बार फिर खुश आमदी। सुप्रीम कोर्ट ने जरदारी खानदान के 10 साल असासों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी ये जो बयान हल्फी आपने जमा कराया है ये हम नहीं मानते, और इस पर बड़ी अहम गुफ्तगु भी हो सकती है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम ये चाह रहे हैं कि कारकर्दगी तक फोकस करें क्योंकि नई हुकूमत बन गई है। अच्छा, कौन से इस बार आप लोगों ने 2-3 ऐसे काम सोचे हुए जो फौरी तौर पर होने चाहिए, जो नहीं कर सके अब तक आप? कर तो बहुत कुछ नहीं सके, लेकिन 2-3 जो आपके जहन में है। देखिए इस दफ़ा जो फोकस किया हुआ है वो एजुकेशन हेल्थ और अच्छा ये आपने इसके बावजूद भी एजुकेशन में फोकस किया हुआ है कि लोगों में शऊर आ गया, तालीम हासिल कर ली, तो फिर तो ऐसे लोगों को तो वोट ही नहीं देंगे। नहीं, वो ये सोच के रही कि वोट नहीं देंगे, लेकिन यकीनन आपको जब नुमाइंदगी आवाम ने दी है तो आपका काम है कि डिलीवर करें, तो फोकस जो है वो एजुकेशन हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट पे, और मेरे ख्याल में तीनों सिलेक्शन जो है आपके सामने है, सैयद गनी, हम उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगे। लोकल गवर्नमेंट भी सरदार शाह की भी कारकर्दगी जो है वो उम्मीद है कि वो नई हुकूमत बनी है, कोशिश पूरी होगी कि इंशाल्लाह उन पे प्रायोरिटी पे इशूज, यकीनन बहुत सारे इशूज हैं लेकिन प्रायोरिटी पे ये तीन सब्जेक्ट्स हैं कि इनको बेहतर करना है चीज़ों को इंशाल्लाह। वकार हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब। हीर सो साहब अभी आपके पुराने साथी हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक बहन, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी।
اچھا وقار سے بات ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تیسری حکومت ہے، بہت سارے دعوے وعدے ہر بار کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، اب پھر نئی حکومت بن گئی ہے، ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جی پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں، ان کا وفاق کی جانب سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے کہ فور ہم کمپلیٹ کر سکیں، تو پانی کا تو مسئلہ سر پھر اسے کیسا رہے گا، آپ لوگ کیا کریں گے اپوزیشن میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، تو میرے خیال سے انہوں نے ہی پانی کے حوالے سے اپنے دور میں، مجھ سے پہلے بھی یہ ممبر صوبائی اسمبلی سیم تھی، تو انہوں نے جو K21 کا پروجیکٹ تھا اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی، نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اس کی فیزیبلٹی بھی بنی تھی، مگر وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم فیڈرل گورنمنٹ کا دیکھتے رہیں گے تو 2008 سے 2013 تک فیڈرل گورنمنٹ بھی موجود تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، اور 13 سے 18 تک نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی، تو اب اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہی ہر کام کے لیے دیکھیں اور ہمارا اپنا جو بجٹ ہوتا ہے سندھ کا، جو بجٹ ہم بناتے ہیں، تو ہم کچھ پروجیکٹس میں اگر کچھ چیزوں کو منیمائز کر کے خصوصی طور پہ اس پانی کے پروجیکٹ کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں یا اس کی طرف ہم آ جائیں، یا سندھ کے جو شہری ہیں جتنے بھی یا دیہاتی علاقے ہیں ان علاقوں میں ہم اس چیز کو پرووائڈ کریں، تو میرے خیال سے یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت سندھ کی۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے گی، نہیں فیڈرل گورنمنٹ بھی سب کچھ کرے گی لیکن اس بار آپ کی حکومت فیڈرل کا حصہ ہے، تو یہ جو بات کر رہی ہیں سوئے صاحبہ کہ جی دیا نہیں جا رہا بجٹ، تو یہ تو بات آپ وہاں اٹھا سکتے ہیں نا قومی اسمبلی میں کہ جی حصہ دیا جائے، ہم آپ کے اتحاد ہی ہیں۔ بالکل، جو انہوں نے بات کی ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں جانے سے پہلے، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جانے سے پہلے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے، اور اس میں ہم نے ان سے یہ کہا، اس میں پرائیورٹی پہ یہ تھا کہ خصوصی طور پہ سندھ۔ وقار شاہ صاحب، آپ نے جو 9 نکات وہاں پیش کیے، میمورینڈم سائن کیا ہے، اس میں وزارتیں شامل نہیں تھیں، وزارتیں لے لی ہیں آپ نے؟ وزارتیں تو انہوں نے، یعنی کہ آپ نے ہاتھی کے دانت دکھانے کو رہے کھانے کو پس پردہ کچھ اور معاہدہ کیا ہوا ہے آپ نے عوام کے سامنے 9 نکات رکھے ہوئے؟ دیکھیں جو نکات ہم نے رکھے تھے تو اس میں کراچی جو سندھ کے شہری علاقے ہیں اس میں پانی کے حوالے سے خصوصی طور پر، باقی جو ڈیولپمنٹ کے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی۔ ابھی 12 دن ہوئے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے نا سر، 9 نکات پہ عمل درآمد کرانے کے بجائے وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ وزارتیں لی ہیں تو ہو سکتے ہیں پھر عمل بھی کرا لیں نا سر، وزارتیں مل گئی دو ہی بات ہوتی ہے، تو عمل کرا لیتے یا وزارتیں لے لیتے؟ نہیں یہ تو وقت بتائے گا، اگر عمل نہیں ہوا تو وزارتیں ہم منہ پہ مار کے واپس آ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ تو ماضی میں حصہ رہا ہے آپ کا، پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ بھی کرتے رہے، آپ تو خود گواہ اس بات کی، آنا اور جانا لگا رہا۔ ہاں دیکھیں، اس زمانے میں جو کچھ ہوا کرتا تھا اس پہ شرمندگی ہے آج آپ کو؟ نہیں شرمندگی کی بات نہیں ہے، دیکھیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں وقار بھائی، وقار بھائی مجھ سے پوچھ لو، نہیں سو صاحب سے دیکھیں، یقینا غلط تھا، یعنی کہ مال نے اس بات کو آج ایم کیو ایم نے جو اس ٹائم پہ بھی جو بھی اسٹینڈ تھے اور یقیناً فیصلے ہوتے تھے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اب اندر کی کہانی تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشوز رہے، لیکن ہم یقیناً بہتر بتا سکتے ہیں، آپ چھوڑ کر آ گئی ہیں؟ نہیں پاس پاس رہا، اور معاہدہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں پاس پاس رہے گی، پاس پاس رہا، اچھا رہا میرا، میں لیکن یقیناً جو اچھائی کے ساتھ جو برائی تھی وہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ جہاں خامیاں تھیں وہ خرابیاں بھی تھیں، لیکن اب اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا فیڈرل کے ساتھ رہنا اور پی ٹی آئی کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی چاروں صوبوں کے جو مین ایشوز ہیں ان کا حل نکلنا چاہیے، اور عمران خان سے بھی توقعات ہے کہ وہ چھوٹے صوبے سے ہیں بلانگ رکھتے ہیں اور پتا ہے کہ ایک صوبہ ڈومیننٹ رہتا ہے، باقی 3 صوبے جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ، اگر آپ سندھ کو دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بہتر ہوگی، اور پرمید ہے کہ اللہ کرے کہ ایم کیو ایم اس میں کامیاب رہے، یقیناً ایم کیو ایم لے کر آئے گی تو وہ کراچی ترقی کرے گا، ملے گا، ترقی کرے گا، لگائیں گے نہیں لگائیں گے، بہتر لگے گا۔ اچھا یہ جاتے جاتے مجھے بتا دیجیے، اپنی اکاؤنٹ بلیک کے ساتھ کام کریں گے، زیادہ اچھا ہے، وہ ہمیں نہیں ہے، وہ خود ہی لگائیں، لیکن ڈیولپمنٹ نظر آ رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ جاتے جاتے بتائیے گا، چائنا اکیڈمی میں خواجہ اظہار صاحب کے بھائی ہیں ابصار الحسن، لینڈ مافیا کا سرغنہ انہیں قرار دے کر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، بار بار بات کی جاتی ہے چائنا کٹنگ کے حوالے سے، یہ سر بہت اہم نام سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی آپ نے جیسے خود ہی فرما دیا کہ ان کے بھائی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اب اگر کسی کی فیملی میں کوئی ممبر جو ہے دو سگے بھائی بھی ہیں قتل کر دیتے تو دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، سزا اسے ہی ملنی چاہیے، اگر وہ چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے تو اس کی تحقیقات ہو کے اگر کورٹ اس کو کوئی سزا دیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پورے ملک میں اور سندھ میں جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر خواجہ اظہار الحسن جو بھائی ہیں، خواجہ اظہار الحسن خود تو نہیں ہے نا، تو اب یہ چیزوں کا کوئی بھی آدمی لینڈ مافیا چائنا کٹنگ میں ملوث نہیں ہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟
नहीं देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई बेटा भाई भतीजा भांजा चाचा अगर कोई अमल करता है तो उसमें वो शख्स अगर कोई सियासी हैसियत रखता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, तो फौरी तौर पे मीडिया के हमारे दोस्त उसका नाम जो है हाईलाइट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो कॉल फेल उसने नहीं किया बल्कि उसकी साख मुतासर। आप कह रहे जाती है सिर्फ में किया, खैर इस पे भी प्रोग्राम हो सकता है। बहुत शुक्रिया जाते जाते आपकी कमेंट भी चाहूंगा। इस तरह की चाइना कटिंग लैंड माफिया में जो भी लोग मुलविस हैं, आपकी पार्टी के हों, एमकेएम के हों या किसी और पार्टी के हों, उनके खिलाफ बिला दरिया कार्रवाई जब तक नहीं होगी ये माफिया से कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में चाइना कटिंग की वजह से आपका कराची का बहुत स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और जो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जजारी साहब के जो करीबी दोस्त हैं सुपर हाईवे पर सारी जमीन उन्होंने खरीदी है, जो भी इन्वॉल्व है किसी भी हवाले से, मैंने वही कहा जो भी इन्वॉल्व है। मैंने थोड़ी कहा कि इजहार हुसैन का भाई इन्वॉल्व है तो इजहार हुसैन के भाई को जो है ना वो कार्रवाई की। मैंने कहा जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, इदारों को करनी चाहिए। इदारे जो आपके सिंध हुकूमत के माथे हैं वो कार्रवाई करेंगे आपके अपने लोगों पर, क्यों नहीं कार्रवाई? नेप कर रही है ना, मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें इदारे कर रहे हैं करनी चाहिए, और इदारों को अगर बेहतर करेंगे तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए कार्रवाई। और मेरे ख्याल नेप माशाल्लाह बहुत एक्टिव चल रहा है, बहुत एक्टिव चल रहा है, लेकिन बहुत करनी चाहिए मखसूस लोगों पर कार्रवाई। जो जो लोग मुलविस हैं गैर कानूनी कामों में उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हीर सोर साहब आपका, वकार शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, अब आपकी आरा करेगा हम इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाने के बाद।